प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम सद्भाव, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों से कंधा मिलाकर जूझने की हिम्मत उपजी थी। मुसलमानों ने हिंदू नेताओं को मस्जिदों में भाषण देने के लिए बुलाया। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया। दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर के इस कांग्रेस अधिवेशन में श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी श्रद्धानंद और चितरंजन दास आदि अनेक राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे। गांधी जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हालांकि नरम दल के थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आकर उन्होंने भी सख्ती का रुख अपना लिया था। उन्होंने कहा, हम वैचारिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदी में भाषण दिया था और उन्होंने श्रोताओं को भारत माता के पुत्र तथा पुत्री कहकर संबोधित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ लड़ा था। इसके लिए ब्रिटिश नेताओं ने उसे भरोसा दिलाया था कि तुर्की साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का फैसला किया, बल्कि सुल्तान की मानहानि भी की। इससे भारतीय मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई की जोरदार खिलाफत की। भारत में चले इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त की और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने इस अवसर पर लोगों को यही समझाया कि समस्या को हल करने का एकमात्र हल असहयोग आंदोलन है। इसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने भी स्वीकार किया। 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताव पास किया गया और ब्रिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लंदन भेजने का निश्चय किया गया। 28 मई 1920 को केंद्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि वो अहिंसक असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। अबुल कलाम आजाद ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया, अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है जो मुसलमानों को वही स्वतंत्रता देती है जो अन्य संप्रदायों को दी जाती है, तो ये इस्लाम धर्म का समादेश है कि मुसलमान हमलावरों से अपने देश की रक्षा करे, चाहे वो हमलावर मुसलमान हो या स्वयं खलीफा ही क्यों ना हो। गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था, मैं भारतीय होने के नाते अपने अन्य भारतीय भाइयों के कष्ट संकटों में भागीदार होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगर मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत लगता है तो मैं उनकी पूरी शक्ति से मदद करूं। 9 जून को खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई। उसने असहयोग के 4 मुद्दे तय किए, खिताबों और ओहदों का त्याग, सरकारी सिविल सेवाओं से इस्तीफा, पुलिस और सेना की सेवा से त्याग पत्र और टैक्स देने से इनकार करना। जुलाई 1920 में सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भी मौजूद थे। उन्होंने
23 करोड़ हिंदुओं को आवाज दी कि वो 7 करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता के लिए आगे आए। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त से उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग कार्यक्रम को अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 1 अगस्त की प्रातः से पूर्व ही रात को उनका देहांत हो गया। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी, शौकत अली और डॉक्टर किचलू प्रमुख थे। गांधी जी ने कहा था, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया, वो जो मनुष्यों का सिरमौर था नहीं रहा, सिंह गर्जना शांत हो गई, आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। ये पीढ़ियां उसका स्मरण एक ऐसे आदमी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसर्जित कर दिया। आइए हम उनकी वीरता, उनकी सादगी, उनके अद्भुत अव्यवसाय और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर भारत के एकमात्र लोकमान्य का चिरस्थायी स्मारक बनाएं। 1 अगस्त 1920 को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी, शौकत अली, मोहम्मद अली तथा अन्य नेताओं ने देश में दूर दूर तक दौरा किया, लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। इससे जनता में न सिर्फ चेतना आई बल्कि असहयोग आंदोलन का संदेश भी फैला। 4 सितंबर को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन मिला। इसके बाद जब नागपुर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ भी जिन्ना को छोड़कर सभी ने एक मत से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। इससे कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आई जिसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे जोश के साथ भाग लिया। बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस में भर्ती हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से शिक्षक भी उनसे इस्तीफा देकर निकल आए। बहुत से मशहूर वकीलों और बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्रंजन दास, विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंसारी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था वो उन्होंने लौटा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि सरकार को लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लौटा दिए। बिहार के सीनियर बैरिस्टर मजरुल हक, जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलीशान कोठी में सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में रह रहे थे, गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे दीघा घाट पर एक छोटे से बंगले में रहने लगे। बाद में उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया जो आगे चलकर राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बना।
जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी चीजों का, चरखों का, विशेषकर खद्दर के हाथ से बुने कते कपड़ों का प्रचार बढ़ने लगा। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात कही। असहयोग आंदोलन जैसे जैसे तेज हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उसे कुचल देने के लिए उतनी ही तेजी से दमन चक्र चलाया। जगह जगह शांतिपूर्ण स्वयं सेवकों और सत्याग्रहियों को पीटा गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में राष्ट्रवाद, राजनीति और धर्म का अनोखा मिश्रण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, वो जनता जिसका मनोबल टूट रहा था, जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी, अचानक उठ बैठी। उसने अपना मस्तक ऊंचा किया और देशव्यापी संयुक्त कार्यवाही में अनुशासित ढंग से संलग्न हो गई। हमने महसूस किया कि उसकी यही कार्यवाही उसे अजय शक्ति प्रदान करेगी। उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गए थे और उन्होंने नगरों और गांवों में असहयोग का संदेश प्रचारित कर दिया। गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी। उन्होंने असहयोग का अर्थ बड़ी सरल भाषा में समझाया था। बुराई और भलाई में, अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता। इसी तरह भारतीय जनता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोग संभव नहीं है।